हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ दहन और ज्वाला में कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहले हम दहन के बारे में चर्चा करेंगे। दहन का शाब्दिक अर्थ है जलने की प्रक्रिया। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सी जलती हुई वस्तुओं को देखा होगा। ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। सातवीं कक्षा में आपने रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं जिसमें पदार्थ अपने गुण को बदलकर एक से ज्यादा नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। अतः दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें अभिक्रिया के दौरान प्रकाश और ऊष्मा उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। आप सभी ने लकड़ियों, कागज के टुकड़ों और माचिस के तिलियों को जलते हुए देखा होगा। ये सभी पदार्थ जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात वैसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। इन्हें ईंधन भी कहा जाता है, जैसे तेल, लकड़ी इत्यादि। क्या आपने लोहे के कीलों को, पत्थरों को जलाकर देखा है? क्या ये जलते हैं? नहीं, ये पदार्थ नहीं जलते हैं। अर्थात वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, कील, पत्थर इत्यादि। हमने अभी अभी सीखा है कि दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो आइए अब हम दहन में वायु का क्या महत्व है देखते हैं। बच्चों, मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक प्रक्रम है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। आइए अब हम मोमबत्ती को जलाकर देखते हैं और इसे हम एक कांच के गिलास से ढककर देखेंगे। आप देख रहे हैं कि मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ रही है और यह स्वतः ही पूरी तरह बुझ जाती है। इसका मतलब है कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वायु की अनुपस्थिति में दहन की क्रिया संभव नहीं होती है। बच्चों, आइए एक बार फिर हम एक छोटी सी क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसके लिए मैंने गिलास में पानी लिया है, एक मोमबत्ती और कागज के दो कप बनाए हैं। अब हम सबसे पहले मोमबत्ती जलाते हैं और कागज के एक कप में उसमें सावधानी से पानी को भरेंगे। पानी भरे कप को अब हम मोमबत्ती के ऊपर रखकर गर्म करेंगे। बच्चों, आप इसका ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए। आपने देखा कि कागज ज्यों का त्यों रहता है, वह नहीं जलता है। अब हम पुनः दूसरे कप को मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं। जैसे ही इसे रखते हैं, आपने देखा कि कागज में आग लग गई और यह तुरंत ही जल उठा। इसका कारण क्या है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने देखा कि जल वाला कप नहीं जलता है। इसका कारण है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। अर्थात किसी पदार्थ को जब उसकी न्यूनतम ताप दी जाती है तो वह पदार्थ जलता है। आप देखते हैं कि कुछ पदार्थ में आग जल्द पकड़ लेता है तथा कुछ में देर से। जिस पदार्थ में आग जल्द लग जाता है उसका ज्वलन ताप कम होता है तथा जिसमें देर से आग लगती है उसका ज्वलन ताप अधिक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जल वाला कप क्यों नहीं जला। इसका कारण है ज्वलन ताप। जिसमें पानी नहीं था वह कागज का कप ज्वलन ताप को
प्राप्त करने के बाद बहुत जल्दी जल गया, जबकि जिस कप में जल डाला गया वह कप जो कागज का बना हुआ था उस कागज को ज्वलन ताप प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण वह नहीं जलता है। इस प्रकार दहन के लिए तीन परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। पहला दहनशील पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ज्वलन ताप। यदि इन तीनों में से कोई एक भी परिस्थिति ना मिले तो वस्तु नहीं जलेगा। दहन तीन प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन, पदार्थ के तेजी से जलने को तीव्र दहन कहते हैं, जैसे गैस का दहन, डीजल एवं पेट्रोल का दहन। स्वतः दहन, स्वतः का अर्थ है स्वयं। कुछ पदार्थ स्वयं बिना गर्म किए कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं, इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं, जैसे फास्फोरस का दहन। विस्फोट, जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं उसे विस्फोट कहते हैं, जैसे पटाखों का फूटना। बच्चों, क्या आप जानते हैं श्वसन भी एक दहन प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के ताप पर ही भोजन सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दहन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, जिसके कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, जलने पर किस प्रकार प्राथमिक उपचार की जाए, ज्वाला क्या है, ईंधन क्या है तथा विश्व उष्णन क्या है।